Hello, Namaste and welcome back to my channel. I hope you all are doing good. तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि त्योहारों का मौसम अब शुरू हो गया है और हम सभी अपने अपने घरों को सजाने में लग गए हैं। और जब बात आती है साज सजावट की, तो अपने हाथ से बनी हुई चीज़ की बात ही कुछ और है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी किए शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट दिवाली डेकोर, जिसके लिए मैं ले रही हूँ ये गणेशा MDF कटआउट। और इसके साथ मैंने लिए हैं ये दो स्क्वायर शेप MDF जिसे मैंने लोकल ही कट करवाया था। और इन तीनों चीज़ों के ऊपर मैं लगा दूंगी एक कोट जैसो का। आप यहाँ पर MDF की जगह पर कार्डबोर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। और जैसो ड्राई हो जाने के बाद मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ चॉक पेंट्स, एंड दीज आर फ्रॉम इट्सी बिट्सी। लिंक आई विल प्रोवाइड यू इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो सबसे पहले मैं ले रही हूँ गणेशा MDF और इसके बेस पे हम कलर अप्लाई करेंगे येलो एंड ऑरेंज, येलो इनर पार्ट पे एंड ऑरेंज आउटर पार्ट पे। एंड एज यू कैन सी मैं यहाँ पे जो कॉर्नर्स हैं उस पे ब्रश की हेल्प से कलर अप्लाई कर रही हूँ, एंड जो बाकी का बेस है उसे स्पॉन्ज की हेल्प से अप्लाई करूँगी। तो जब हम कलर अप्लाई करेंगे मेक श्योर हमें MDF की साइड्स भी कवर करनी है। ऑल राइट, अब मैं येलो और ऑरेंज कलर को आपस में ब्लेंड कर दूंगी सो दैट हमें एक ओम्ब्रे इफेक्ट मिल जाए। सो सेम टेक्निक से मैंने जो बाकी के दो स्क्वायर MDF कटआउट थे उन्हें भी पेंट कर लिया है। तो अब बारी आती है गणेश जी को पेंट करने की। इसके लिए मैं रेड कलर यूज़ कर रही हूँ एंड इसके मैंने दो कोट अप्लाई किए हैं। इस पे भी हमें साइड्स को अच्छे से कवर करना है सो दैट अगर कोई साइड से देखे तो वो बुरा ना लगे। तो अब हम करेंगे इस पे मिरर वर्क, बट उससे पहले कलर सिक्योर करने के लिए मैं इस पे एक और डेकोर वार्निश लगा दूंगी। तो मिरर वर्क जो है वो मैं सिर्फ गणेश जी के ऊपर कर रही हूँ एंड इसके लिए मैंने डिफरेंट डिफरेंट शेप एंड साइजेस के मिरर्स का यूज़ किया है। ओके, सो मिरर वर्क हमारा यहाँ होता है कंप्लीट। अब बारी आती है इसकी साइड्स को डेकोरेट करने की, जिसके लिए मैं ले रही हूँ कॉडी शेल्स, जिसे कि मैं सिलिकॉन ग्लू के हेल्प से चारों तरफ स्टिक कर दूंगी। सभी शेल्स लग जाने के बाद मेक श्योर हमें लास्ट में जो शेल्स की जॉइंट्स होंगे उस पर सिलिकॉन ग्लू अप्लाई कर देना है सो दैट वो अच्छे से स्ट्रॉन्गली स्टिक रहें। ओके, सो गणेश MDF तो हमारा हो गया है कंप्लीट। अब बारी आती है शुभ लाभ MDF की, जो कि हम स्क्वायर MDF के ऊपर लिखने वाले हैं। तो पेंसिल की हेल्प से मैंने एक रफ आउटलाइन ड्रॉ कर ली है शुभ लाभ की और उसके ऊपर मैं करूँगी क्ले वर्क। क्ले मैंने यहाँ पे मोल्डेड ली है, यू कैन यूज़ एनी एयर ड्राई क्ले। क्ले वर्क कम्प्लीट हो जाने के बाद मैं पेंसिल की हेल्प से उसके ऊपर पोक कर दूंगी सो दैट हमें एक 3D लुक मिल जाए। ओके, सो क्ले ड्राई हो जाने के बाद हम इस पे सेम वही रेड कलर अप्लाई कर देंगे जो हमने गणेशा के ऊपर किया था। ओके, सो कलर ड्राई हो जाने के बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ ये मेटालिक वैक्स और उसे फिंगर टिप की हेल्प से शुभ लाभ के ऊपर इस तरह से हाईलाइट कर दूंगी। देन इस पे भी मैंने एक कोट वार्निश का लगा दिया है। तो क्योंकि ये एक सेट है इसीलिए इसे भी मैं कॉडी शेल एंड मिरर की हेल्प से डेकोरेट कर दूंगी। मिरर्स एंड शेल जब अच्छे से स्टिक हो जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे, उसके बाद मैं डॉटिंग टूल की हेल्प से इस पे डॉट आर्ट कर लूंगी। सब कुछ अच्छे से ड्राई हो जाने के बाद मैं इसकी एजेस पर बेल एंड बीड्स के लटकन लगा दूंगी कुछ इस तरह से। सो इसकी बैक साइड पे मैंने पेपर पिन और एम सील को इस तरह से स्टिक कर दिया है सो दैट हम इसे वॉल पर हैंग कर सकें। एंड दैट्स इट, हमारा ब्यूटीफुल शुभ लाभ वॉल हैंगिंग इज रेडी। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने सेकेंड एंड लास्ट DIY की तरफ, विच इज़ सुपर इजी। इसके लिए हमें चाहिए फेविक्रिल मोल्डेड क्ले,
एंड इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हमें इसकी एक रोटी बेल लेनी है। तो हमें इसे रैंडमली बेलना है, अगर ये गोल नहीं बन रही है दैट्स टोटली ओके, बस इसकी थिकनेस थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए सो दैट ये इजीली ब्रेक ना हो जाए। अब मैं यहाँ पे इस तरह की कटोरी लूँगी एंड उस रोटी को क्ले को हमें कटोरी के ऊपर इस तरह से रख देना है एंड 4 से 5 घंटों के लिए इसे ड्राई करने के लिए छोड़ देना है। जब क्ले ड्राई हो जाएगी तो उसे हमें कटोरी में से डीमोल्ड कर लेना है एंड मैं इसे गोल्डन स्प्रे पेंट से पूरे को पेंट कर दूंगी। सो पेंट ड्राई हो जाने के बाद मैं यहाँ पे कुछ कट मोती ले रही हूँ और उसे सिलिकॉन ग्लू की हेल्प से इसकी 5 साइड्स पर कुछ इस तरह से स्टिक कर दूंगी। आप इसे मोती की जगह पर किसी और चीज़ के साथ भी डेकोरेट कर सकते हैं एंड यस, अगर आप इनमें से कुछ भी बनाते हैं तो प्लीज़ मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम पर ज़रूर शेयर कीजिए, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो मैंने ऐसे 2 बाउल्स बनाए हैं एंड यू कैन यूज़ इट एज अ ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़र और यू कैन सर्व एनीथिंग इन दीज ब्यूटिफुल बाउल्स। सो यस, आज के लिए बस इतना ही। आपको इन दोनों DIY में से कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं एंड अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। अब मैं मिलती हूँ आपसे दिवाली सीरीज़ पार्ट 2 में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।